जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट के लिए मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो भी हम वेबसाइट में नीचे की तरफ हम फुटर बोलते हैं उसे, ठीक है, तो वहाँ पर हमें डिस्क्लेमर अबाउट कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से काम करती है, वेबसाइट में हम क्या डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें अबाउट में लिखनी होती हैं। डिस्क्लेमर में जैसे कि अगर आप कोई भी ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो कि किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो आप उस डिस्क्लेमर में लिख सकते हैं। इसी के साथ में जो भी आपकी वेबसाइट है तो उसकी जो पॉलिसी क्या है, किस तरीके से काम करती है और किस चीज़ के ऊपर निर्धारित है, तो वो चीज़ आप पॉलिसी बना सकते हैं। इसी के साथ में कॉन्टैक्ट, अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। इसी के साथ में आखिर आपकी वेबसाइट का कॉपीराइट ओनर कौन है, वो किस तरीके से बना सकते हैं, तो आप फुटर को किस तरीके से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और इन सारे पेजेस को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो चलिए हम आज की इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो कर वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि इस चैनल पर आपको एकदम रियल और एकदम 100% रियल कंटेंट मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट पर। हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अबाउट वगैरह का कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ कॉपीराइट ओनर कौन है वेबसाइट का वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बैक आ गए हैं, अपीयरेंस में ना जाकर सबसे पहले हम पेजेस बनाएंगे, ठीक है, तो पेजेस पर जाएंगे, पेजेस पे फिर से हम चलिए क्लिक कर देते हैं, ऐड न्यू पेजेस पे जाएंगे, तो हम ऐड यहाँ पर न्यू पेजेस करेंगे। अब यहाँ पर हम वो पेजेस करेंगे जो कि हमें अपने फुटर में देने होंगे, जैसे कि डिस्क्लेमर अवार्ड, तो ये आपको 5-6 पेजेस बना लेने हैं, ठीक है, जो कि आपको मोनेटाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो आप यहाँ पर बनाकर और ऐड कर लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, ठीक है, तो मैं इसे बैक कर देता हूँ। उसके बाद में हम पेजेस पे जाएंगे, फिर आल पेजेस पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अवार्ड है, कॉन्टैक्ट है, डिस्क्लेमर है और प्राइवेसी है, तो ये सारी चीज़ों को आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद में अपीयरेंस में जाएंगे और उसके बाद में हम जाएंगे मेनू में, क्योंकि हमें मेनू यहाँ पर बनाना होगा पहले, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि पेजेस पे मैं सिंपली क्लिक कराया हूँ, तो वो हमने पेजेस यहाँ पर कितने बना रखे हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा मेनू है जो कि हेड मेनू है, यानी कि ऊपर वाला मेनू, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐड ए न्यू मेनू पर सिंपली क्लिक करेंगे। मेनू का हम कोई भी यहाँ पर नेम दे देंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर मेनू ही दे देता हूँ। क्रेडिट मेनू पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद में जो भी पेजेस आपको ऐड करने हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट और डिस्क्लेमर, फिर कॉन्टैक्ट और इसी के साथ में प्राइवेसी और अवार्ड का ऑप्शन ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेव ना करके सबसे पहले ऐड टू मेनू पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये कॉन्टैक्ट हमारे बराबर में पड़ रहा है, एक तो मैंने अपनी पर्सनल जानकारी दी है और बाकी यूएसए के हिसाब से दी है, ठीक है, तो मैं इसे एक को नीचे कर दूंगा, ठीक है, ये सबसे अच्छा रहता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नीचे कर दिया। उसके बाद में अब हम यहाँ पर सेव कर देंगे, इसके लिए सेव कर दिया, तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सक्सेसफुल सेव हो चुका है। आप यहां से चेक कर सकते हैं मेनू और हेड मेनू, ठीक है। तो अब हम बैक जाएंगे और हम जाएंगे विजिट पर, ठीक है। विजिट पर जाने के बाद आप यहां पर फिर विजिट पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, तो आपको यहां पर इस तरीके से आ जाएगा ये पेज, तो आपको यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। अब आप यहां पर स्क्रॉल करते हैं तो आपको फुटर बार का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, फिर प्लस के आइकन पर सिंपली क्लिक करेंगे और आपको यहां पर पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप इसे ऐड कर देंगे, अपडेट या फिर सेव कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ और ये हमारा फुटर में जाकर सेव हो गया है, ठीक है। उसके बाद में बैक जाएंगे, हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर आ गया, पर ये अब यानी कि गिनती के हिसाब से आ रहा है, यानी कि साइड एक साइड पर ही हो गए हैं, ठीक है। तो इन्हें हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे उसके लिए हम बैक करेंगे, और इसके लिए एक कोड है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, उससे आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद उसके बाद में मैं जाऊँगा अपनी वेबसाइट में और हम यहाँ पर सिंपली कस्टमाइज पर सिंपली क्लिक कर देंगे। कस्टमाइज पर सिंपली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर CSS में जाना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर इसे हटाकर और सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद
हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, अभी हमने यहाँ पर सेव या फिर पब्लिक्स नहीं किया है, तो देख सकते हैं लहन से आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए ये अब कुछ सही भी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अवार्ड हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, पॉलिसी एंड प्राइवेसी हो गया, फिर कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस तरीके। चलिए हम यहाँ पर पब्लिक्स कर देते हैं, तो ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉपीराइट ओनर का नेम है वो किस तरीके से चेंज करना है, और ये थीम्स का नेम आ रहा है जैसे कि जनरेट प्रेस, ठीक है, तो इसे आप किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसकी लिंक, ठीक है। तो आप उसे देखकर यहाँ पर अपने वेबसाइट का कॉपीराइट का जो ओनर का नेम है वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।